पैसा तो टॉस होता हुआ, एक तरफ बुलंदशहर तो दूसरी तरफ वाराणसी की टीम है, और टॉस जीता है वाराणसी ने, कोर चूज किया है। पहली रेड देखने को मिलेगी भाई बुलंदशहर की तरफ से, ये भी भाई रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा भाई। मुकाबला स्टार्ट पहली रेड बुलंदशहर की तरफ से, रॉबिन चौधरी का प्रयास किया है, क्या अटेम्प्ट स्वीकार किया जाएगा, पॉइंट मिलता हुआ, खाता खुलता हुआ बुलंदशहर का। बुलंदशहर बना वाराणसी मुकाबला, पॉइंट मिलता हुआ, खाता खुल चुका है दोनों टीमों का भाई। राजेंद्र और एक जबरदस्त स्ट्रगल देखने को मिला था राजेंद्र का बलिया के सामने, बहुत लंबा स्ट्रगल था कबड्डी का वो। रेड राउंड और एम्प्टी राइट, निखिल ये खिलाड़ी कुछ अद्भुत है, खास खिलाड़ी है। हालांकि रॉबिन के सामने कद काठी जरूर हल्की छोटी है, लेकिन एक अलग पहचान है इस खिलाड़ी की। एवरेज टीम है, मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो एक समय मजबूत टीम हुआ करती थी, पोजिशन की टीम हुआ करती थी वाराणसी। मनुष्य का प्रयास, बोनस मिला है एक और, भाई 17 टीमों में से 6 टीमों की किस्मत खुल चुकी है, सफर समाप्त हो चुका है, टोटल 11 टीमों के बीच अभी हम आसान है। 11 में से 8 क्वालिफाई करेंगे क्वार्टर के लिए, सिंगल फाइव हो मिला है। एक और पॉइंट जाएगा खाते में,
बुलंदशहर के लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में। मुश्किलें बढ़ रही है। ऑल आउट मिला है। जिसकी वजह से भैया अंतर है। वो पढ़ता हुआ पॉइंटर जीत किए हैं पहले। रेड में उसके बाद और एम्प्टी राइट। निकल सौ के कमाल की स्पीड थी और रनिंग एंड टच से बोला एक और बोनस जरूर मिला है बाहर जाना होगा। धीरे धीरे भाई क्वार्टर फाइनल की तस्वीर साफ हो रही है। बुलंदशहर शामली गाजियाबाद एनी रेलवे गौतमबुद्ध नगर ये टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। मैच जो होगा भाई वो बिजनौर वर्सेस गाजीपुर के बीच होगा। जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। वन टच पॉइंट दो खिलाड़ी कोर्ट में है। निखिल आठ नंबर जैसे में खिलाड़ी सीनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप अपने अंतिम दौर में धीरे धीरे बढ़ती हुई। एक और सफल प्रयास बोनस को ओपन कर दिया है।
ऑल आउट की दहलीज पर खड़ी आवाज थी, ऑल आउट मिलता हुआ। ऑल आउट का मतलब होता है ऑल इन, सारी टीम इस समय अंदर है। एक सब्स्टिट्यूट देखने को मिलेगा भाई साथी। स्कोर की अगर बात करें तो 7-20 स्कोर है, 13 पॉइंट की लीड में इस समय। एक और रनिंग किक लगाई है रॉबिन ने, लीड आ गई 14 पॉइंट की बुलंदशहर के पक्ष में। क्योंकि एक जो डिफेंडर है ऊपर शूट करने के लिए गए कॉर्नर। धीरे धीरे जो अंतर है वो बढ़ रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं वाराणसी की टीम की। लंबा किया था लेकिन बाहर जाना होगा। डिफेंस काम कर रहा है दोनों तरफ से। अब मध्यांतर के समय भाई स्कोर की बात करें तो बुलंदशहर ने बड़ा तो बना के रखी है भाई। स्कोर की बात करें तो 24-11 स्कोर है, 13 पॉइंट की लीड समय बुलंदशहर के पक्ष में है। फर्स्ट हाफ में बुलंदशहर ने लीड ले रखी है बड़ी, आधे से भी ज्यादा का अंतर है। दोनों तरफ से सेकंड में एम्पायर देखने को मिल रही है। बैक होल्ड करने के लिए गए थे, बहुत ही स्पीड में टर्निंग ली राइडर ने, कामयाबी फिर से राइडर के पक्ष में जाएगी। बारह 24 स्कोर प्रांत रनिंग बोनस का प्रयास किया है। कानून से भी लंबे हाथ है भाई इस खिलाड़ी के,
12 बार चीज इसको सपोर्ट मिला समय पर निखिल भाई समय काटने का प्रयास क्योंकि जानते हैं जो अंतर है अभी भी बहुत ज्यादा है मैच ओवर होगा उसके बाद भाई क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे मल्टी पॉइंट रेड उड़ आया Robin, do or die red ho, normal red ho. परेशान करके रखा है डिफेंस को इस खिलाड़ी ने कह सकते हैं मुकाबला पूरी तरह से बुलंद शहर के पक्ष में एक खिलाड़ी शेल पाउट मतलब रेड रिसीव बहुत समय से देखने को लायक कभी एक पॉइंट इधर जाता है तो कभी एक पॉइंट उधर जाता है लेकिन जो पॉइंट का आदान प्रदान है उसकी वजह से अंतर अभी बरकरार है Thank you.
Sigo. निकल सो मैं बिताने का प्रयास, क्योंकि जानते हैं जो समय सीमा है उसकी दरकार यही कहती है कि आप समय बिताइए, आप लीड में हैं। एक दो तीन या चार, सुपर रेट दो खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल, क्या कंप्लीट कर पाई वाराणसी। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा है, ये फिर से वही सिचुएशन है, ये दूसरा स्ट्रगल लगातार। पहले एक ऐसे ही स्ट्रगल में तो के डिफेंस में लंबे स्ट्रगल में कामयाबी मिली थी राजेंद्र को, फिर से वही अंतिम 5 मिनट का समय से पैंतीस 19 स्कोर है और बोनस का प्रयास 20-38 स्कोर। प्लस टू वाई सुपर 41-20 अंतिम 4 मिनट का समय शेष। बीस 42 स्कोर है और समय काट रहे हैं इस समय, लेकिन और एम्प्टी राइट भाई मुकाबले की कभी भी आधिकारिक घोषणा हो सकती है, औपचारिकता बाकी है मैच। 20-42 का स्कोर है और मुकाबला समाप्त होता हुआ लास्ट एंड देखने को मिलेगी। मुकाबला समाप्त साथियों 20-42 के साथ बुलंदशहर ने इस मुकाबले में बाजी मारी। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। 20-42 के साथ इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।